हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे कि एक है एटॉमिक मास, फिर आएगा एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर, ये सब किसको बोलते हैं वो सब सीखेंगे। उसके बाद साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे डिसाइड करें, मास और एनर्जी का रिलेशन क्या है, और उसके बाद एक और टॉपिक हम साथ में ले लेंगे, न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें आपको पता ही है कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इतना बेसिक पार्ट है जो ऑलरेडी आप लोग कहीं ना कहीं पे पढ़ चुके हो, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में आता था, फिर ये एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, ये सब भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हम थोड़ी स्पीड रखेंगे, फिर सेकेंड लेक्चर से हम एज इट इज़ एवरेज स्पीड से ही सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक मास यूनिट क्या है। वन यूनिट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब 12। ठीक है, चलो तो वो मास कितना था, 1.992647 इंटू 10^-26 किलोग्राम डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 12 है, तो ये आंसर बनेगा 1.660539 इंटू 10^-27। ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। वन यूनिट मास इक्वल टू अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो 1.66 इंटू 10^-27 किलोग्राम। ठीक है, अब ये यूनिट डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि न्यूक्लियस का मास मेज़र करने के लिए किलोग्राम है वो बहुत ही बड़ा यूनिट है, तो ये इतना बड़ा मास बोलने में हमें वैसे भी कन्वीनियंट नहीं रहता, इसलिए थोड़ा इजी रहेगा सिर्फ वन यूनिट बोल दें। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास में आप देखने जाओ तो एटम का मास आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। अब सपोज मैं मान के चलो क्लोरीन है मेरे पास, तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप हैं, एक अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं 17Cl35 और दूसरा लेते हैं 17Cl37। ये 35 वाला है, उसका मास एग्जैक्ट यूनिट में आप देखने जाओ तो 34.98 यूनिट है, और इसका मास कितना है तो 36.98 यूनिट। अब क्लोरीन का मास हमें यहाँ पे कौन सा लेना है कौन सा नहीं कैसे पता चलेगा, तो हमने यहाँ पे एवरेज निकाली, और वो एवरेज भी कैसे, समझो कि मेरे पास दो आइसोटॉप हैं, क्लोरीन है उसके मेरे पास दो आइसोटॉप्स हैं, जिसमें से एक है 17Cl35 जिसका मास है 34.98 यूनिट, और वो मुझे नेचर में 75% जितना मिलता है, मतलब टोटल जो क्लोरीन होता है उसमें से 75, और एग्जैक्ट आपको नंबर लेना है तो 75.4% आपको मिलेगा नेचर में ये। और सेकंड जो है आइसोटॉप 17Cl37 जिसका यूनिट में मास है 36.98। ठीक है, तो ये हमें मिलता है नेचर में 24.6% में। ठीक है, तो अभी मास ऑफ क्लोरीन क्या निकालें, तो मास ऑफ क्लोरीन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने ये जो मास था 34.98 उसके परसेंटेज को साथ में काउंट कर लिया, 75.4% है, परसेंटेज रिमूव करना है तो डिवाइड बाय 100 प्लस 36.98 जो मास है वो नेचर में अवेलेबल है 24.6% में, परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 100। ठीक है,
और ये जो कैलकुलेशन किया तो हमें आंसर मिला 35.47 यूनिट, 35.47 यूनिट, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। तो बाकी के अगर आपके आसपास कहीं पे आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स दिखे तो आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें एक एटम है उसके दो अलग अलग आइसोटॉप्स है, दोनों का अलग अलग मास दिया हुआ है और आपको एवरेज मास निकालना है। बट याद रखो, एवरेज मास निकालते टाइम डायरेक्ट एडिशन डिवाइड बाई 2 मत कर दो, परसेंटेज वाइज आपको निकालना है, ठीक है। चलो फिर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये समझो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या दिया गया है, तो एक पूरी एक स्टोरी है कि चैडविक नाम के साइंटिस्ट को एक न्यूट्रल रेडिएशन मिला। न्यूट्रल रेडिएशन मतलब ऐसा रेडिएशन जो मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होता था, ठीक है। अब मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होता मतलब कोई चार्ज तो है नहीं, इसलिए नाम दिया गया न्यूट्रल रेडिएशन। अब वो न्यूट्रल रेडिएशन है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए वो स्टडी करने के लिए उन्होंने सोचा। उस टाइम पे न्यूट्रल एक ही था रेडिएशन जिसको हम बोलते थे फोटोन, बट फोटोन हो नहीं सकता क्योंकि एनर्जी मैच नहीं कर रही थी। इसीलिए चैडविक ने फिर धीरे धीरे नए पार्टिकल्स ढूंढ निकाले जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, और फिर न्यूट्रल होने की वजह से उनको नाम भी दे दिया गया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का मास हमें मिला अप्रोक्सीमेट 1.00866 यूनिट, मतलब 1.6749 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ओके। और ये डिस्कवरी के लिए चैडविक को नोबेल प्राइज भी मिला था, ओके। ये सब आपको पता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास, कितने कितने सिंबल्स है। याद रखो, एक तो है जेड, जेड मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे डिफाइन होता है, एटॉमिक नंबर डिफाइन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। एन मतलब क्या, न्यूट्रॉन नंबर। एन मतलब न्यूट्रॉन नंबर, मतलब समझ गए आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ए मतलब क्या, ए मतलब एटम का मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। देखो ये कोई मास नहीं है, मास का सिर्फ एक नंबर है, ये सिर्फ दिखाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब ये रहेगा जेड प्लस एन, इसीलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालने हैं अलग, तो आप ये कर सकते हो ए माइनस जेड, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज एक्चुअली निकालना बहुत ही मुश्किल है, और उसका रीज़न है कि न्यूक्लियस जो होता है, सपोज़ मैं यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ करूँ तो सेंटर पे देखो एकदम हाई डेंसिटी है, फिर डेंसिटी लो होती जाती है, लो होती जाती है, और पता नहीं कहाँ पे ये न्यूक्लियस फिनिश हो गया और कहाँ से इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे पेंसिल तो है नहीं, वरना अच्छे से मैं शेडिंग करके दिखाता। धीरे 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 न्यूक्लियस की डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी और कहाँ पे जाके ज़ीरो हो जाएगी वो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज रेडियस निकालते हैं, और एवरेज रेडियस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू पावर 1/3, वेयर
आर नॉट क्या है, आर नॉट है वो एक कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी मतलब 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर, ठीक है। और ए क्या है, ए है एटॉमिक मास नंबर। अब ऐसा रिलेशन कैसे मिला, तो उसका डेरिवेशन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलो डेंसिटी न्यूक्लियस की ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर इनटू वन यूनिट मास, क्योंकि जितना एटॉमिक मास नंबर होगा उतना ही मास होगा, बट यूनिट में, क्योंकि इनटू क्या करना पड़ेगा आपको, यूनिट मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.66 × 10⁻²⁷। अब ये तो कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मास की जगह पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या रहेगा 4/3 πr³, और यहाँ पे है रो, तो मैं आर क्यूब अलग निकाल लूँ तो ये बनेगा 3/4πρ into a, ठीक है ना। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो तो r इंटू 3/4πρ³ और साथ में a की पावर भी 1/3, और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म को नाम दे दिया गया r नॉट, तो ये बना। और कांस्टेंट टर्म है तो फिर वैल्यू भी निकल सकती है, तो वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं यहाँ से अभी निकाल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास नंबर पे। जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की साइज भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डिटेल भी दी हुई है, रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस की साइज प्रेडिक्ट करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखो, गाइगर एंड मार्स्टन परफॉर्म देयर क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम गोल्ड फॉइल्स, ओके। देयर एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू अ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5.5 MeV इज अबाउट 4×10⁻¹⁴ मीटर। देखो यहाँ से हमें साइज का अंदाजा लगा था। द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द गोल्ड शीट कुड बी अंडरस्टूड बाय रदरफोर्ड बाय अज्यूमिंग दैट द कूलम रिपल्सिव फोर्स वॉज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग। सिंस द पॉजिटिव चार्ज इज कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस, द एक्चुअल साइज ऑफ द न्यूक्लियस हैज टू बी लेस देन 4×10⁻¹⁴ मीटर। क्या बोलना चाहते हैं समझो, कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, अब उसके पास चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल भेजा, अब उसका चार्ज भी क्या है पॉजिटिव, अब ये जाएगा तो कोई एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, न्यूक्लियस और दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही रिटर्न आएगा। तो मतलब जो उनको जो डिस्टेंस मिला था वो अगर 4×10⁻¹⁴ मीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस तो उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डिसाइड हुआ कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो 4×10⁻¹⁴ मीटर से भी कम रहेगी, कितनी कम वो उस टाइम पे पता नहीं था, ठीक है। चलो न्यूक्लियस की डेंसिटी अगर मेजर करने जाए तो अप्रोक्सीमेट मिलता है हमें 2.3×10⁻¹⁷ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सोचो एक मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, उसके अंदर न्यूक्लियस को एकदम अच्छे से भर दो, कोई भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में स्पेस नहीं रहने चाहिए, तो फिर कितना मास आप पर मीटर क्यूब लगा सकते हो, सोचो 2.3×10⁻¹⁷ किलोग्राम, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि न्यूक्लियस है वो वेरी हाई डेंसिटी वाला रीजियन है, ओके।
और बाकी तो हमें पता है कि एटम में बहुत बड़ी अमाउंट है, वो एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि इतना छोटा सा न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन यहाँ पे होगा। हर एक एटम के अंदर इतनी स्पेस खाली है जहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है चलो, तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया। एक हमें पढ़ना है मास एनर्जी का रिलेशन। देखो पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलग से पढ़ते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अलग से पढ़ते थे। आइंस्टाइन ने ये दिखाया कि मास एंड एनर्जी वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मास एंड एनर्जी के लिए अलग अलग लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया E=mc², मतलब अगर मास m किलोग्राम है तो इंटू सी स्क्वायर करो, उतनी एनर्जी आप उस मास से जनरेट कर सकते हो। मतलब सपोज आप 1 किलोग्राम मास यूनिवर्स में से गायब कर दो और उसको कन्वर्ट कर दो एनर्जी में, तो एनर्जी मिलेगी 1 × 3 × 10⁸² मतलब 9 × 10⁸ जूल जितनी एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, उसी की हेल्प से न्यूक्लियर रिएक्टर भी चलाते हैं, कभी कभी न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सी क्या है? सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन हैज बीन अचीव्ड इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अमंगस्ट न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर मोर रिसेंटली डिस्कवर्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब हम स्टडी कर रहे थे तब हमें ये इक्वेशन है वो सही नज़र आया। ठीक है, इन अ रिएक्शन The law of conservation of energy states that the initial energy and the final energy are equal, provided the energy associated with mass is also included. देखो initial energy equal to final energy है, वो equal है, सही बात है, but इसके अंदर mass को भी include करना पड़ेगा। अगर mass कहीं पर increase हुआ है, decrease हुआ है, तो उसके according energy भी आपको E=mc² count करके लगानी पड़ेगी। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर मास मासिस एंड इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विथ अनदर। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मास एनर्जी भी समझ में आ गया। अभी दो एग्जाम्पल है वो पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल 13.1 देखो, गिवन द मास ऑफ आयन न्यूक्लियस, आपको मास दिया हुआ है आयन न्यूक्लियस का 55.85 यूनिट, एटॉमिक मास नंबर 56 दिया हुआ है, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। अब देखो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड करना है तो क्या करना है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो मास तो सही है, वॉल्यूम की जगह पे क्या करोगे, 4/3 πr³। अब मास तो दिया हुआ है, चलो उसको तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 55.85 × आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1.66 × 10⁻²⁷ ये बन गया किलोग्राम। यहाँ पे आर की जगह पे मैं आर नॉट इंटू a³³ और उसका क्यूब कर सकता हूँ। ठीक है, तो m डिवाइड बाय, देखो 3 ऊपर चला जाएगा नीचे 4πr₀ की वैल्यू जो है उसमें 1/3 कर दो और a का 1/3 एंड 3 कैंसल आउट हो गया, बस इसमें वैल्यू रख दो आपको आंसर मिल जाएगा। मास है आपके पास, a है और r₀ तो कांस्टेंट है, उसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं वो भी मैंने सिखाया था अंडर रूट की हेल्प से। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं
Example 13.2. Calculate the energy equivalent to 1 gram mass. देखो एकदम इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 10^-3 किलोग्राम. तो E इक्वल टू करोगे आप mc square. 10^-3 3 × 10^8 होल स्क्वायर, 9 × 10^13 जूल. ये आंसर. चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा. कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो. ओके अब देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, तो एक चीज़ समझो, एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, एटम की बाइंडिंग एनर्जी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था. इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको याद है तो -13.6 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी ना. तो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में थी. ठीक है, बट जब हम न्यूक्लियस की बात करें, तब बाइंडिंग एनर्जी जो मिलती है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हो, आपको पता चल जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक ही हुआ कि यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा रहा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, और वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी मिलती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी देखने को मिलती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो इसका मतलब ये रहा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई एक ऐसा डिफरेंट फोर्स होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तभी तो न्यूक्लियस को इतनी ज़्यादा एनर्जी से बाउंड करके रखता है. ठीक है, तो ये सब फिर थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गई कि कोई ना कोई एक फोर्स होना चाहिए जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. किन किन पार्टिकल के बीच में लग सकता है, किन किन पार्टिकल के बीच में नहीं लग सकता, कब एट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा, ये सब सोचना साइंटिस्ट लोगों ने स्टार्ट कर दिया. ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने क्या किया, एक बाइंडिंग एनर्जी का डिस्टेंस के साथ एक ग्राफ बनाया. तो सपोज वाई एक्सिस पे है बाइंडिंग एनर्जी और एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस. बाइंडिंग एनर्जी मतलब अभी मान लो कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, और उतनी ही आप ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी देना चाहो तो न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को न्यूक्लियस में से सेपरेट कर सकते हो. तो ये ग्राफ जो मिला वो कुछ इस तरह मिला. ठीक है, तो जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिली वो डिस्टेंस था आर नॉट, और उसकी वैल्यू थी अप्रोक्सीमेट 0.8 फर्मी. अब देखो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मिनिमम. अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, मोस्ट स्टेबल स्टेट. मतलब जहाँ पे न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस 0.8 फर्मी बनता था वहाँ पे देखने को मिला मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एवरी न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो जो इनविजिबल फोर्स है जो हमें पता नहीं था उसको नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. अब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लगता होगा, अदरवाइज वहाँ पे भी आपको बाइंडिंग एनर्जी किस में मिलती, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती. तो यहाँ से पता चला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है. एक तो स्ट्रॉन्ग है, दूसरी प्रॉपर्टी ये पता चली शॉर्ट रेंज फोर्स है, थर्ड प्रॉपर्टी ये पता चली कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे डिपेंडेड नहीं था, मतलब नॉट डिपेंडेड ऑन चार्ज. ठीक है, अब वो फोर्स कैसे लगता है उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च अभी तक हुए नहीं है. ठीक है,
तो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब आफ्टर फ्यू फेमटोमीटर, मतलब फर्मी, वो फोर्स फटाफट डिक्रीज होके क्या बन जाता है, ज़ीरो। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। 0.8 फर्मी पे स्टेबल क्यों है, स्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा क्यों है वो समझो। न्यूक्लियस की साइज़ हमें पता है, न्यूक्लियस की साइज़ हमें पता है कि वेरी 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 स्मॉल है, और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट उसकी कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है। ठीक है, अब न्यूक्लियस इतना छोटा कैसे, जबकि अगर मैं न्यूक्लियस को जूम करके देखूं, न्यूक्लियस को थोड़ा जूम करके देखूं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि अंदर अलग अलग पोजीशन पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को जूम करके देख रहे हैं अंदर क्या है। अंदर मुझे कहीं कहीं पे प्रोटॉन्स दिखे, कहीं कहीं पे न्यूट्रॉन्स दिखे, हालांकि वहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की पोजीशन भी फिक्स होती है। अब मैंने ये देखा कि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओनली कंसिडर करूँ, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगना चाहिए, रिपल्सिव, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में एट्रैक्टिव, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। क्यों, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो मतलब रिजल्टेंट फोर्स कैसा होना चाहिए, रिपल्सिव। अब यहीं से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर फोर्स, नेट फोर्स रिपल्सिव है, तो ये न्यूक्लियस इतना छोटा क्यों, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज होनी चाहिए। अब इंक्रीज तो होती नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं, बट उसको अपोज करने वाला कोई ना कोई दूसरा फोर्स है, जिसको हमने फिर नाम दिया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, अगर मैं मान लूँ अट्रैक्टिव है और वेरी स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो फिर ये सब एक दूसरे से नज़दीक जाने चाहिए और साइज़ धीरे धीरे डिक्रीज होनी चाहिए। अब सर्टेन साइज से ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं होती, सर्टेन साइज से ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं होती, तो उसका क्या रीज़न। तो ये बात में पता चला हमें कि जब डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0.8 फर्मी हो, तब ये फोर्स बनता है एट्रैक्टिव, मतलब जब इंटर न्यूक्लियॉन डिस्टेंस इंक्रीज होने लगे, तब ये फोर्स बनता है एट्रैक्टिव, ताकि न्यूक्लियस की साइज छोटी हो। और जब डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी हो जाए, मतलब हद से ज़्यादा नज़दीक आ गए, तब ये फोर्स वापस बन जाता है रिपल्सिव, ताकि सब एक दूसरे से दूर भागने की ट्राई करें। तो एग्जैक्ट 0.8 फर्मी जितना डिस्टेंस रहेगा, वहाँ पे उनका रहेगा मोस्ट स्टेबल स्टेट, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बाकी पॉइंट्स दिए हुए आप वर्ड टू वर्ड एक बार पढ़ लेना, अगर समझ में ना आए तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक फिनिश किए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स एंड एग्जाम्पल 13.1, 13.2। ठीक है, अगर उतना आप अच्छे से पढ़ लो, अगर कहीं पे डाउट लगे तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।